जोहार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी तक हम लोग जेपीएससी जेएसएससी उसके बारे में, उसके सिलेबस के बारे में समझ रहे थे और देख रहे थे कि उसका सिलेबस क्या है, उसको किस तरह से कौन से बुक से हम लोग पढ़े ताकि वो सिलेबस जो है अच्छे तरीके से हम लोग का कंप्लीट हो सके। इसी क्रम में हम जो है शुरुआत में ही आप लोगों को बताए थे कि आप लोगों के लिए झारखंड कोचिंग क्लासेस जो है क्रमवार तरीके से किसी भी विषय का अगर वीडियो उपलब्ध करवाता है तो वो क्रमवार तरीके से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और इस क्रम में हम लोग जो सबसे पहला वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं वो झारखंड सामान्य अध्ययन से संबंधित है। झारखंड सामान्य अध्ययन में जो भी चीज़ आपको बताया जाएगा वो एक सीक्वेंस वाइज बताया जाएगा। इसमें रैंडम टॉपिक आपको उठा के नहीं बताया जाएगा कि आज ये टॉपिक हम डिस्कस किए, कल दूसरा टॉपिक, आज भूगोल का हम चर्चा किए तो कल संस्कृति का, कल मध्यकाल का किए तो प्राचीन काल का, तो आज कोई करंट अफेयर का न्यूज लेके आ गया, ऐसा नहीं होगा। आपको जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा वो सीक्वेंस वाइज पढ़ाया जाएगा, सारा चीज़ का नोट्स बना हुआ है, आपको बस वीडियो को लगातार देखते रहना है। और इसके लिए सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आप तुरंत पता चले। तो इस तरह से हम लोग जो झारखंड में देखने वाले हैं झारखंड सामान्य अध्ययन को, उसको हम लोग तीन चार टॉपिक में बांट के देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग महत्वपूर्ण जानकारी देख लेंगे, फिर इतिहास, फिर आपका भूगोल और फिर सभ्यता और संस्कृति। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि हम लोग पूरा जो आगे पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सा चैप्टर आपका यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग जो पहला वीडियो देखेंगे या पहला जो चैप्टर होगा आपका, वो झारखंड से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ पे हम लोग इतिहास से शुरू करेंगे, लेकिन इतिहास शुरू करने से पहले आपको थोड़ा बहुत झारखंड के बारे में जानना होगा कि इसका गठन कब किया हुआ या इसका प्रतीक चिन्ह सब क्या है। ये सारा चीज़ को हम लोग एक वीडियो में या दो वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का इतिहास। अब इतिहास में हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले इसका नामकरण जानना है, क्योंकि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले, तो जैसे बच्चा जन्म लेता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसका नामकरण रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपका झारखंड का बहुत अलग अलग प्रकार का नाम रहा है अलग अलग कालों में, तो हम उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे पहला चैप्टर में। अब दूसरा जो चैप्टर होगा वो आपका प्राचीन काल होगा। जैसे हम लोग भारतीय इतिहास का प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल पढ़ते हैं, उसी तरह से झारखंड का जब इतिहास हम लोग पढ़ेंगे तो इसको भी तीन खंडों में बांट के ही पढ़ेंगे। प्राचीन काल में आपको पता होगा कि जो इतिहास होता है उसको हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं, एक आपका प्रागैतिहासिक, दूसरा आदि ऐतिहासिक और तीसरा जो होता है वो ऐतिहासिक काल होता है। ये सब क्या होता है ये हम जब जब आपका वीडियो जिस तरह से आएगा उस तरह से बताते चलेंगे। अभी आप देख लीजिए कि जो दूसरा चैप्टर है उसका पहला जो टॉपिक है वो प्रागैतिहासिक काल है। सीधा सा मतलब आप समझिए कि ये पाषाण काल है जिसमें आपका लिखा हुआ कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, और इसीलिए हम लोग इसको प्रागैतिहासिक काल के तौर पे हम लोग जानते हैं। तो पाषाण काल के बारे में पहला टॉपिक होगा। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक होगा वो क्षेत्रीय राजवंश होगा, जैसे कि मुंडा शासन व्यवस्था हो गया या आपका नागवंश हो गया। इसके अलावा और भी है, चेरो शासन है, और भी बहुत सारे झारखंड में आपके प्राचीन क्षेत्रीय राजवंश है देखने को हमको मिलते हैं, तो उनके बारे में हमको एक ही साथ यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो इस तरह से आपका सेकंड चैप्टर जो है वो क्षेत्रीय राजवंश के बारे में, कहीं कहीं पे हो सकता है ये आपका मध्यकाल तक चला गया हो तो हम लोग उस तरह से आपका क्षेत्रीय राजवंश के बारे में सबसे पहले देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे धार्मिक आंदोलन, कि जैसे कि आपका प्राचीन काल में बौद्ध और जैन धर्म आपका मुख्य भारत में इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो उसका बहुत सारा प्रभाव आपको झारखंड में भी देखने को मिलता है। तो हम लोग इसी प्रभाव को देखेंगे कि झारखंड में बौद्ध जैन का मुख्य रूप से क्या क्या प्रभाव पड़ा और कहाँ कहाँ पड़ा, तो ये हम लोग धार्मिक आंदोलन के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे प्राचीन काल में झारखंड, इस खंड में या इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि प्राचीन काल में जैसे कि आपका मौर्य काल है, तो मौर्य काल के दौरान झारखंड का मौर्य साम्राज्य के साथ किस तरह से संबंध रहा, जब मौर्योत्तर काल आया तो उस समय कौन किस प्रकार का संबंध रहा, गुप्त काल आया तो कैसा संबंध था, गुप्तोत्तर काल में किस प्रकार का संबंध था, ये सारा चीज आपको प्राचीन काल में झारखंड के तौर पे आपको इस टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा। तो इस तरह से ये हम लोग का क्लास नोट्स है, इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन झारखंड, जिसमें सबसे पहला आपका पूर्व मध्यकाल जो कि आपका लगभग 750 से लेकर 1206 ईस्वी तक हम लोग पढ़ेंगे। फिर सल्तनत काल में झारखंड का क्या स्थिति रहा उसको हम लोग देखेंगे, मुगल काल, फिर परवर्ती मुगल काल। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग मध्यकालीन खत्म करेंगे। उसके बाद मध्यकालीन के बाद आधुनिक काल आएंगे, और आधुनिक काल में हम लोग देखेंगे कि झारखंड में अंग्रेजों का जो आगमन हुआ, उनका जो प्रवेश हुआ वो कब हुआ, किस तरह से हुआ, ये सारा चीज हम लोग पूरा विस्तार लिए हुए देखेंगे। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अब लगातार आप लोगों को झारखंड सामान्य अध्ययन का क्रमवार तरीके से और विश्लेषणात्मक तरीके से आपको ये वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष जो अगला चैप्टर होगा,
फिर हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बाद हम लोग देखेंगे झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन, ये सारा चीज़। राष्ट्रीय आंदोलन मुख्यतः 1857 के बारे में देखेंगे, और स्वतंत्रता आंदोलन में जो आपका गांधीयन काल जो आता है उसमें टाना भगत वगैरह, और इस तरह से आपका बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग, ये सब के बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से ये सारा चीज़ आपका हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे झारखंड राज्य का निर्माण आंदोलन, कि जब देश आज़ाद हो जाता है उसके बाद लगातार झारखंड जो है प्रयास करता है कि वो अपना एक अलग राज्य का गठन करे, और इस तरह से 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को झारखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। और इस तरह से ये जो घटनाक्रम है, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ और आपका नया राज्य का गठन होता है, ये सारा चीज़ हम लोग झारखंड राज्य के निर्माण आंदोलन में पढ़ने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो है आपका जेपीएससी में आएगा भी और जेएसएससी में आएगा, क्योंकि जेपीएससी का टॉपिक वाइज दिया हुआ है। इसके लिए हम लोग उसको अलग वीडियो वहाँ पे बनाएंगे और उसी टॉपिक को वहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो भी चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा उसके बाद, उस चैप्टर के बाद आपका क्वेश्चन का भी डिस्कशन किया जाएगा, और इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं उसको अभ्यास के तौर पे आपको दिया जाएगा, और हम लोग क्वेश्चन बैंक भी देखेंगे और जो आने संभावित प्रश्न है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। जब इतिहास हम लोग देख लेंगे तो आपका झारखंड राज्य का भूगोल को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपका भूगर्भिक इतिहास सबसे पहला चैप्टर है कि कैसे डेवलपमेंट हुआ बिग बैंग थ्योरी के बाद, आपका धीरे धीरे जो अभी वर्तमान समय है वहां तक के क्या डेवलपमेंट है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो टाइम है उसको हम लोग पहला चैप्टर में देखने का प्रयास करेंगे झारखंड के संदर्भ में। फिर हम लोग झारखंड का धरातलीय स्वरूप देखेंगे कि मैदानी है, पठारी है, या आपका किस तरह का भूमि है, ये सारा चीज हमको देखने को मिलेगा। तीसरा चैप्टर जो है हम लोग अपवाह प्रणाली, आपका नदी के बारे में देखेंगे। फिर जल संसाधन की, झारखंड में जल संसाधन को लेके क्या यहाँ पे स्थिति है, यहाँ का जलवायु किस तरह का है, मिट्टी किस तरह का है, वन कितने प्रकार के हैं, इस तरह से हम लोग ये सारा चीज आपका भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। साथ ही साथ झारखंड में जैव विविधता और वन्य जीव, देखिए आपका ये जेपीएससी में भी टॉपिक है, तो आपको कहीं ना कहीं जेपीएससी ओवरलैप करते हुए मिलेगा, वहां पे हम लोग स्पष्ट रूप से उसी के बारे में पढ़ेंगे। और जब इस प्लेलिस्ट में हम लोग सारा चीज डिटेल, जो भी चीज है झारखंड भूगोल से संबंधित, सब चीज को यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे, कोई चीज को छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। झारखंड में खान, खनिज, उद्योग, ये सब है। लास्ट में झारखंड सेंसस, इसका जनगणना, तब तो नया जनगणना भी आने वाला है, तो वो आने में अभी टाइम लगेगा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार ही अभी 1-2 साल के जो प्रश्न आएंगे वो इसे से आएंगे। और इस तरह से ज्योग्राफी में भी बहुत सारे अभ्यास जो है हम लोग प्रत्येक चैप्टर के बाद हम लोग करेंगे। तो इस तरह से आपका ये भूगोल हो गया। उसके बाद जो अंतिम टॉपिक होता है झारखंड की सभ्यता और संस्कृति। झारखंड की सभ्यता संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आपके बनते हैं। जनजाति हो गया, 3200 जनजाति के बारे में हम लोग देखेंगे, एक एक जनजाति के बारे में, उसका नृत्य है, वाद्य यंत्र है, चित्रकला है, दर्शनीय स्थल है झारखंड में। तो हो सकता है इसके लिए हम लोग अलग अलग एक प्लेलिस्ट बनाए जिसमें केवल दर्शनीय स्थल के बारे में डिस्कस किया गया होगा, कहीं पारंपरिक कला के बारे में डिस्कस किया गया होगा, कहीं केवल नृत्य के बारे में, कहीं केवल वाद्य यंत्र के बारे में आपका किया होगा। जितना जल्दी से जल्दी प्रयास किया जाएगा कि आपको वीडियो बना के आपके लिए उपलब्ध किया जाए, ताकि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो आपका आसान हो जाए, और आपका जो ये जो रास्ता है तैयारी करने का, जो प्रोसेस है, उसमें हम लोग थोड़ा बहुत आपका हम लोग योगदान दे सकें। तो इस क्रम में हम लोग इतना सारा चीज़ आपको पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड का इतिहास, और इतिहास देखने से पहले उसके सामान्य जानकारी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देख लेंगे, और तब हम लोग इतिहास के बारे में हम लोग देखेंगे। तो बने रहिए, और आप सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको पता चले, क्योंकि अब क्रमवार तरीके से आपको बताया जाएगा झारखंड का इतिहास। जय झारखंड, जय भारत, धन्यवाद।